हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रियंका और आप आए हैं फूडीज किचन में। आज मैं आप लोगों के साथ अपने यूट्यूब चैनल मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करूंगी। मोनेटाइजेशन को अप्लाई करने के पहले आपके दो क्राइटेरिया कंप्लीट होने चाहिए। एक, आपके चैनल पर मिनिमम 1000 सब्सक्राइबर्स होने चाहिए और दूसरा, आपके चैनल के सारे वीडियोस मिलाकर मिनिमम 4000 आवर्स का वॉच टाइम चाहिए। जैसे ही आपके ये दोनों क्राइटेरिया कंप्लीट हो जाएंगे, आप मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। और जैसे ही मोनेटाइजेशन एनेबल हो जाएगा, YouTube से आपकी कमाई शुरू हो जाएगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी कि आप जब भी मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करोगे ना, तो आप डेस्कटॉप वर्जन से ही अप्लाई करें। सबसे पहले हम लोग हमारे YouTube स्टूडियो में जाकर लेफ्ट साइड में आपको मोनेटाइजेशन का एक ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक कर दीजिए। उस पर क्लिक करने के बाद आपको स्क्रीन कुछ ऐसी दिखेगी। यहाँ पर आपको आप देख सकते हो, नीचे दो क्राइटेरिया दिख रहे हैं। एक है 1000 सब्सक्राइबर्स का और दूसरा 4000 आवर्स का वॉच टाइम का। मेरे दोनों भी क्राइटेरिया कंप्लीट हो चुके हैं, इसलिए यहाँ पर आपको ग्रीन टिक दिख रहा है और उसके नीचे अप्लाई नाउ का भी बटन है। जैसे ही आपके ये दोनों क्राइटेरिया कंप्लीट हो जाएंगे, नीचे अप्लाई नाउ पे हम लोग क्लिक कर सकते हैं। जनरली यूट्यूब से भी आपको मेल आता है जैसे ही क्राइटेरिया कंप्लीट हो जाता है। मैं आपको कुछ यहाँ पर टिप्स देना चाहती हूँ, जैसे कि अगर आपके चैनल पे अच्छे वीडियोस हो और एक ही थीम बेस्ड हो, मिनिमम 45-50 वीडियोस आपके चैनल पे अगर रहेंगे ना, तो आपका चैनल बहुत जल्दी वेरीफाई हो जाएगा। अब हम अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देते हैं। जैसे ही अप्लाई नाउ पे आप क्लिक करते हो, आपको ये ऐसी स्क्रीन दिखेगी जहाँ पर आपको तीन स्टेप्स बताए गए हैं मोनेटाइजेशन को एनेबल करने के लिए। स्टेप वन, रिव्यू पार्टनर प्रोग्राम। स्टेप टू, साइन अप फॉर गूगल एडसेंस। और स्टेप थ्री है गेट रिव्यूड। सबसे पहले हम स्टेप वन के नीचे जो स्टार्ट बटन है, उस पर क्लिक करेंगे। स्टार्ट बटन पे क्लिक करने के बाद आपको ऐसे टर्म्स एंड कंडीशंस दिखेंगे। स्क्रॉल करके नीचे आ जाइए और लेफ्ट साइड में आई एक्सेप्ट द यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम्स पे क्लिक करके नीचे राइट साइड में एक्सेप्ट टर्म्स पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप एक्सेप्ट करोगे, ये प्रोसेस होना शुरू हो जाएगा। हार्डली 2 या 3 मिनट आपको लगेंगे ये स्टेप वन कंप्लीट होने के लिए। आप देख सकते हो स्टेप वन कंप्लीट हो चुका है, यहाँ डन लिख कर आ गया है। अब हम चलते हैं स्टेप टू की तरफ। स्टेप टू है हमारा साइन अप फॉर गूगल एडसेंस। नीचे स्टार्ट का बटन है, वहाँ पर क्लिक कर दीजिए। ये अब आपको पूछेगा कि आपका एग्जिस्टिंग अकाउंट है या नहीं गूगल एडसेंस पर। अगर है तो आप येस करिए, वरना नो, आई डोंट हैव एन एग्जिस्टिंग अकाउंट। मैं नो कर रही हूँ, मेरा कोई एग्जिस्टिंग अकाउंट नहीं है, और फिर कंटिन्यू कर रही हूँ। कंटिन्यू करने के बाद जिस भी अकाउंट से आपका यूट्यूब चैनल है, आप उससे साइन इन कर लीजिए। जैसे ही ये साइन इन होगा, आपको कुछ स्क्रीन इस तरह दिखेगी जहाँ पे आपका वेबसाइट का लिंक दिया है, कंट्री और सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर भरनी होगी। यहाँ पर मैं येस पे क्लिक कर रही हूँ, नीचे कंट्री सेलेक्ट कर रही हूँ। कंट्री सेलेक्ट करने के बाद आपको फिर से टर्म्स एंड कंडीशंस दिखते हैं, वो स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना और येस आई हैव रेड एंड एक्सेप्ट द एग्रीमेंट करके क्रिएट एन अकाउंट करना। इससे आपका गूगल एडसेंस का अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। अब आपको स्क्रीन कुछ इस तरह दिखेगी। इसको हम लोग राइट एरो आपको दिख रहा है, उस पर क्लिक करके गेट स्टार्टेड करना है। यहाँ पर आपको पेमेंट एड्रेस डिटेल्स पूरी फिलअप करनी होगी, जहाँ पर क्रिएट पेमेंट प्रोफाइल आपको करना है। अकाउंट टाइप आपका इंडिविजुअली रहेगा और यहाँ पर एड्रेस, सिटी, सारी डिटेल्स आपको फिल करके नीचे सबमिट बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट बटन पर क्लिक करोगे, आपको कुछ करना नहीं है, डायरेक्टली आप लोग सेकेंड प्रोसेस जो स्टेप है आपकी, वो इन प्रोसेस बता देगा। ये देखिए सेकेंड स्टेप हमारी इन प्रोग्रेस बता रहा है। सेकेंड स्टेप कंप्लीट होने के लिए 8 से 9 घंटे हमें लगते हैं। अभी आप बंद कर सकते हो और 9 घंटे बाद फिर से इसे चेक कर लेना। नौ घंटे बाद आप देख सकोगे कि सेकेंड स्टेप भी कंप्लीट हो चुकी है और चैनल जाता है रिव्यू के लिए। उस थर्ड स्टेप आपको कोई अप्लाई नहीं करना पड़ता है, सेकेंड स्टेप के बाद डायरेक्टली थर्ड स्टेप इन प्रोग्रेस हो जाती है।
और अब चैनल आपका वेरिफिकेशन के लिए कितने दिन जाता है, उसके बाद आपको यूट्यूब का मेल आता है कि आपका चैनल मोनेटाइजेशन में एनेबल हो चुका है, तो तब तक आपको वेट करना होगा। मेरा चैनल 3 दिन में वेरीफाई हो गया था। मैं 3 दिन बाद फिर से मोनेटाइजेशन के ऑप्शन में जाकर चेक कर रही हूँ। ये देखिए, मेरा चैनल मोनेटाइजेशन हो गया है एनेबल। जैसे ही आपका चैनल का मोनेटाइजेशन ऑन हो जाएगा ना, आपको ऐसी स्क्रीन दिखेगी जिसमें आप स्क्रॉल करके नीचे आकर डिटेल्स चेक कर सकते हो। आपका एडसेंस अकाउंट एक्टिव है या आपका डिटेल्स, आपने कौन से डेट पे किया था, सारे डिटेल्स आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। बस इसी तरह जैसे ही आपका एनेबल हो जाएगा मोनेटाइजेशन, आप यूट्यूब से कमाई कर सकते हो। मेरा चैनल 60 आवर्स में वेरीफाई होके मोनेटाइजेशन एनेबल हो चुका था। ये इसीलिए हो पाया क्योंकि मेरे चैनल पे कंटेंट अच्छा था, मेरे वीडियोस भी काफ़ी सारे थे, तो इसीलिए वेरिफिकेशन भी बहुत जल्दी हो गया। तो मैं आपको वही सजेस्ट करूँगी कि आपके चैनल पे जब अच्छे वीडियोस हो जाए तो आपका जो दोनों क्राइटेरिया भी कम्प्लीट हो जाए, आप मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो के नीचे लाइक के बटन को क्लिक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।